हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कृषि इन्फॉर्मेटिक्स की वीडियो में आप सभी का एक और बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान के अंदर पंजाब प्रोविंस में जो उनका एयरफोर्स बेस है वहाँ पे कुछ मिलिटेंट्स ने मिलकर अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से 3 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स के डैमेज हो चुके हैं। और पहले पाकिस्तान ने ये न्यूज़ दी थी कि जो एयरक्राफ्ट डैमेज हुए हैं उन पे कुछ होल्स हुए हैं फायरिंग की वजह से, लेकिन अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि उनको हाई डैमेज पहुंचा है, जिसकी वजह से वो अब रिपेयर होने की सिचुएशन में नहीं है। दोस्तों, पूरा मामला क्या है इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, तो बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात दरअसल ये है कि हाल फिलहाल में पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, और उसी दौरान जो तहरीक ई जिहाद पाकिस्तान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स बेस जो कि पंजाब प्रोविंस में है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी वहाँ पे होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे अटैक होता है कुछ मिलिटेंट्स द्वारा, और जिसके अंदर 3 एयरक्राफ्ट को हाई डैमेज पहुँचता है। और पाकिस्तान ये कहता है कि जो एयरक्राफ्ट डैमेज हुए हैं वो फंक्शनिंग में नहीं थे, यानी वो अभी इस सिचुएशन में नहीं थे कि उसको पाकिस्तान की एयरफोर्स यूज़ कर रही हो। और पाकिस्तान ने ये कहा है कि जिन एयरक्राफ्ट पर मिलिटेंट्स ने अटैक किए थे वो अभी वर्किंग में नहीं थे, यानी पाकिस्तान की एयरफोर्स उनको यूज़ ही नहीं करती थी। तो तहरीक ए जिहाद पाकिस्तान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये इस अटैक की जिम्मेवारी ली है, और कहा है कि हमने ये अटैक इसलिए किया है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको ना बनने दिया जाए, क्योंकि इससे चाइना का जो इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाल फिलहाल में पाकिस्तान के अंदर जो डेब्ट ट्रैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है चाइना की वजह से, और वो आने वाले फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से चाइना की इन्वॉल्वमेंट है वो पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इस मकसद से तहरीक ए जिहाद पाकिस्तान ने ये अटैक को किया है। और दोस्तों, इन अटैकों की वजह से 386 सिक्योरिटी पर्सनल की डेथ भी हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडिया एक बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है एशिया के अंदर। अभी एशिया कप चैंपियनशिप होने वाली थी, पाकिस्तान उसको होस्ट करने वाला था, लेकिन इंडिया ने एशिया कप पाकिस्तान के अंदर होने से मना कर दिया था कि इंडिया की टीम वहां पे जाके नहीं खेलेगी, क्योंकि दोस्तों अगर ये एशिया कप पाकिस्तान होस्ट करता तो इसकी वजह से जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते, क्योंकि इंडिया की जो ऑडियंस है फैन फॉलोइंग है वो वहां पर जाती, और वहां पर क्रिकेट स्टेडियम पर भी अटैक हो सकते थे। ना सिर्फ इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे बहुत सारे एशियाई देश अगर पाकिस्तान के अंदर जाते तो ये प्रोबेबिलिटी थी कि क्रिकेट स्टेडियम पे भी अटैक हो सकते थे। तो उस चीज़ में भी इंडिया ने सबकी प्रोटेक्शन करी है, और अब आने वाले 2025 में चैंपियनशिप ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान होस्ट करने वाला है, उस चीज़ को भी इंडिया को संभालना पड़ेगा, उस चीज़ में भी इंडिया को अपनी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ सारे एशियाई देशों की भी करनी पड़ेगी। और ये देखा जाता है कि जो पाकिस्तान के अंदर अभी जो चल रहा है वो बहुत ज़्यादा पीक पे है, कि वहाँ पे अभी कुछ भी सही नहीं है, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली और स्टेबिलिटी वहाँ की गवर्नमेंट के पास बिल्कुल भी नहीं है, और जिसकी वजह से 83% टेरर अटैक्स में वृद्धि हुई है, 83% से टेरर अटैक्स वहाँ पे बढ़े हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है कि ये पाकिस्तान के अंदर सही हो रहा है? आपका क्या विचार है? क्या ये जो उनसे ऑर्गेनाइजेशन है इनका मेन मकसद क्या है? तो उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर नॉलेजफुल वीडियो लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।